वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने सेक्स डिटरमिनेशन के वेरियस मैकेनिज्म्स स्टडी किए थे, एक्स जीरो टाइप, एक्स वाई टाइप, जेड जीरो, जेड डब्ल्यू टाइप। एक्स जीरो जैसे ग्रास ऊपर यानी ज्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर मिलता है, एक्स वाई मैमल्स के अंदर या ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है, जेड जीरो टाइप बटरफ्लाई या मोथ्स के अंदर देखने को मिलता है, और जो जेड डब्ल्यू है वो ज्यादातर बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये मैकेनिज्म हम स्टडी कर चुके हैं जहां पे जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका नंबर या उसका कौन सी कॉपी वहां पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में पहुंच रही है वो डिसाइड करती है। अब एक स्पेशल केस हम स्टडी करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे डिसाइड होता है? तो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन वो एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि यहाँ पे क्रोमोसोम का जो सेट है कंप्लीट सेट वो डिसाइड करता है कि सेक्स ऑफ द बेबी क्या होगा। इन केस ऑफ हनी बी सेक्स डिपेंड्स अपॉन द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्स इंडिविजुअल का क्या होगा। जैसे हनी बी में जो फीमेल होती है उसके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर होता है 2n = 32, यानी कि जो n है एक सेट 16 क्रोमोसोम का बना होता है। तो दो सेट होते हैं 32 क्रोमोसोम होते हैं, 16+16 मिलाते हैं। तो फीमेल यानी कि जिस भी इंडिविजुअल के अंदर 32 क्रोमोसोम होंगे वो तो हो जाती है फीमेल, जबकि जो मेल होता है या जिसको हम ड्रोन भी बोलते हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल सेट होता है सिर्फ 16। तो एक इंडिविजुअल के अंदर 32 क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी, अगर सिर्फ 16 क्रोमोसोम है तो वो मेल होता है। तो यहां पे सेट डिसाइड करता है कि सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल क्या होगा। अब ये कैसे डिपेंड करता है, जैसे फीमेल के अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो 32 है, एक्स बनते हैं इसमें 16, जितने भी एग बनेंगे सभी के अंदर 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। जो फीमेल है वो मेटिंग भी करती है अपने लाइफ टाइम में, जनरली सिंगल टाइम ये मेटिंग करते हैं। तो जो मेल है जिसको हम ड्रोन बोलते हैं उसके अंदर 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि एक सिंगल एंड है। यहां पे जो गैमेट बने हैं वो मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं। मियोसिस से क्यों बने, क्योंकि 32 है उसका रिडक्शन करना जरूरी है तब जाके 16 और 16 आ सकते हैं, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन से यहां पे जो गैमेट से वो बनते हैं। जो मेल है ड्रोन है क्या उसके अंदर भी मियोसिस प्रोसेस से गैमेट बनेंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एन है, हैप्लोइड है वो, और हैप्लोइड का हाफ नहीं हो सकता है। तो यहां पे जो स्पर्म्स बनेंगे वो माइटोसिस प्रोसेस से बनते हैं। जितने भी स्पर्म्स बनेंगे सभी के अंदर 16 होगा और ये बनते हैं माइटोसिस प्रोसेस से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे कि जो ड्रोन है या मेल हनी भी है उसके अंदर जो स्पर्म्स बनेंगे वो माइटोसिस प्रोसेस से बनते हैं, फीमेल के अंदर जो एग्स बनते हैं वो बनते हैं मियोसिस प्रोसेस से। अब सेक्स कैसे डिसाइड होता है, अब देखिए अगर ये एग है यहां पे, ये वाला जो एग है वो इस वाले स्पर्म से फ्यूज करता है, तो जैसे यहां पे फ्यूजन होगा तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, ये जायगोट बनेगी और यहां पे क्रोमोसोम हो जाएंगे 32। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर दो सेट है तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअल क्या बनेगी, फीमेल। लेकिन अगर जैसे यहां पे है ये एग है, ये एग अगर स्पर्म से फ्यूज ही ना हो तो उस केस में ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं मेल के अंदर और इसके अंदर क्रोमोसोम होंगे 16। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है मेल और फर्टिलाइज्ड एग से बनती है फीमेल। अनफर्टिलाइज्ड एग दैट इज मेल और फर्टिलाइज्ड अगर एग बनता है फर्टिलाइज्ड एग दैट इज फीमेल।
अब फर्टिलाइज्ड एग से जो फीमेल बनती है, फीमेल भी दो तरह की होती है वहां पे, वर्कर और क्वीन। जो वर्कर होती है वो स्टराइल होती है, और क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, यानी कि आगे वही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पाती है। तो क्वीन और वर्कर ये दो तरीके की फीमेल होती है। क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, और जो वर्कर होती है ये स्टराइल होती है। तो दो तरह के जो ये फर्टिलाइज है उससे दोनों में से कोई भी बन सकते हैं, क्वीन भी बन सकती है और वर्कर जो होते हैं स्टराइल भी बन सकती है। तो ये दो तरह के फर्टाइल स्टराइल, दो तरह की फीमेल्स बनती है। अगर फर्टाइल है तो क्वीन होगी, स्टराइल है तो वर्कर होगी। स्टराइल का मतलब होता है जो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। जनरली जो एक हनीकॉम्ब होता है उसमें एक ही क्वीन होती है, जब वो दूसरी क्वीन बना देती है यानी कि एग का जो फर्टिलाइजेशन होकर अगर उससे क्वीन बनाई जा रही है, तो जो पुराने वाली क्वीन है उसको उस हनीकॉम्ब को छोड़ के जाना होता है, और नई वाली जो हनी बी क्वीन है वो वहीं पे रह जाती है। अब एक जो जो फर्टिलाइज एग है यानी कि जायगोट है, जायगोट जिसके अंदर 32 क्रोमोसोम आ गए हैं, यानी जिसको फीमेल बनना है, उसमें ये कैसे डिसाइड होगा कि इसमें ये क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी? तो एक्चुअल में अगर इससे निकलने वाला जो लार्वा होता है, अगर उसको रॉयल जेली खिलाई जाती है तो ये बन जाती है क्वीन, और अगर इसको पोलन ब्रेड खिलाए जाते हैं तो ये बन जाती है वर्कर। जायगोट, रॉयल जेली का मतलब क्या होता है, जो वर्कर हनी भी होती हैं वो पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम करती हैं, उसको अपने स्लाइवा के अंदर मिक्स करती हैं, और उसको फिर निकाल के अपने लार्वा को, जो ये लार्वा होता है जायगोट से बनता है, उसको खिला देते हैं, जिससे वो क्वीन के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर जो लार्वे निकल रहे हैं उन लार्वे को पोलन ब्रेड मतलब जो हनी है उसी के अंदर पोलन को मिक्स करके खिलाया जाता है, तो वो चेंज हो जाती है वर्कर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट है, न्यूट्रिशन, वो डिसाइड कर रहा है कि सेक्स क्या होगा इसके केस में, सिर्फ जायगोट के केस में। बाकी केस में सेट डिसाइड कर रहे हैं, डबल सेट है तो फीमेल है, सिंगल सेट है तो मेल है। सेकेंड थिंग जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, जो इस वाले मेल की अगर हम बात करें, क्या इस मेल का कोई फादर है? इस मेल की बात की जाए, नो फादर, इसका कोई फादर नहीं है, क्योंकि ये एग से बना है और एग किससे आया, उसकी मदर से, तो उसकी सिर्फ मदर है, उसका कोई फादर नहीं है। लेकिन अगर इस फीमेल की बात की जाए, ये फीमेल कहां से आई होगी, इस ये तो किसी मेल और इसकी जो मदर है फीमेल उसके कॉम्बिनेशन से आई होगी। तो इसके केस में इसका जो फादर है, फीमेल का जो फादर होगा वो इसका ग्रैंड फादर हुआ। तो मेल का फादर तो यहां पे नहीं है, लेकिन ग्रैंड फादर जरूर प्रेजेंट।